मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया है, जिसमें भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दिया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में सतना से सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वहीं मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट मिला है। भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया। खंडवा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हुए कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। इंदौर में 26-27 सितंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर को इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार के चौथे संस्करण की घोषणा करेंगी। रीवा आई गायिका नेहा सिंह राठौर की इस फोटो पर बीजेपी को तंज कसते हुए कहा कि मुझे हाथ लगाने वाला कांग्रेस का नेता नहीं। उमरिया जिले में सड़क हादसे में शहडोल में पदस्थ रीवा के मानिंग इंस्पेक्टर समेत 5 लोगों की हुई मौत। मऊगंज जिले में हैदराबाद से बकरी बेचकर आए व्यापारी से बदमाशों ने मारपीट की और 5 लाख रुपए लूट लिए। 3 अक्टूबर शहडोल में होने वाले लाडली बहना सम्मेलन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना सम्मान राशि 1250 से 1500 रुपए बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। रीवा के राजापुर गांव के सामूहिक सुसाइड केस, जिसमें मां अपनी 2 बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान दी थी, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।